नमस्कार। 3N पर वक्त हो चुका है तेज रफ्तार खबरों का। ये आपको बताते हैं देश दुनिया की खबरों का हाल खबर नॉन स्टॉप में। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खीरे द्वारा कोरोना जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में 100 बेड के L2 अटैच केयर सेंटर के संचालन के लिए मानक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक बाथरूम, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई आदि का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा वेंटिलेटर की भी व्यवस्था का जायजा लिया गया। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। कोविड-19 को देखते हुए शासन द्वारा कई निर्देश दिए गए, जिसकी गाइडलाइन के अनुसार जलसा और जुलूस पर प्रतिबंध लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति की स्थापना और ताजिया प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह का पंडाल या सामियाना नहीं लगाया जाएगा। सभी लोग अपने घरों पर ही पूजा पाठ कर उपासना करेंगे। सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। नाहरगढ़ कचनारा सड़क मार्ग के समीप नाहरगढ़ ग्राम के व्यक्ति विशेष को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पट्टा दिया गया है। इसका निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आवास की जमीन कीमती सरकारी जमीन पर बनाई जा रही है। डीसी ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। पीएम आवास योजना का भी निरीक्षण किया गया। डीसी कुलदीप चौधरी ने बुधवार को हिरणपुर प्रखंड के बरमसिया का दौरा किया। उन्होंने मनरेगा और पीएम आवास योजना के तहत संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, हिरणपुर BDO उमेश कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं का जो कार्य हुआ है उसकी प्रगति को देखा गया। बरमसिया पंचायत के बरमसिया गांव में हम लोगों ने देखा है आम की बागवानी। हम लोगों ने देखी लेकर के बागवानी में अच्छा किया गया है। ट्रेंच कट वगैरह बनाया गया है वो सब अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोगों ने देखा है। 16-17 का जो कम्प्लीट हो गया है वो भी देखा है, और कुछ जो 20-21 में हाल में सेंक्शन हुआ है जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिला है वहाँ पर हम लोगों ने देखा है। काम लाभुक के द्वारा अच्छी क्वालिटी का किया जा रहा है। एक आवास में आकार का कुछ भिन्नता पाया गया है, उसको वीडियो को निर्देश दिया गया है और हम लोग आगे की पंचायत करें। डिडवाना में इंदिरा रसोई का हुआ शुभारंभ। राज्य सरकार की ओर से गरीब, निर्धन और बेसहारा लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई है इंदिरा रसोई योजना। डिडवाना में भी शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा रसोई का किया उद्घाटन। और इसकी अभी जो मुझे जानकारी मिली 20 रुपए कीमत है जो सरकार देगी, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये फूड सप्लाई करेगी, खाना सप्लाई करेगी, 8 रुपए में एक साधारण व्यक्ति को अच्छा खाना मिल जाए, पौष्टिक खाना मिल जाए, साफ सुथरी जगह बैठ के खाना मिल जाए, इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकती। और इसका शुभारंभ हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि गरीब आदमी को इस योजना से जरूर लाभ पहुँचेगा। खबर रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के सासाराम चौसा पथ पर तिलकापुर के पास की है, जहाँ एक पिकअप वैन ने टेम्पो में ठोकर मार दी। टेम्पो में सवार एक व्यापारी को कुचलते हुए वह फरार हो गया। घायल की इलाज के दौरान सासाराम के सदर अस्पताल में मौत हो गई। टेम्पो से हम लोग आ रहे थे और हम लोग धीरा किए, अपना साइड में थे और ला के पिकअप एक बैक मारा, हम लोग तीनों के तीनों फेंका गए। हमारा जो है देखिए नाक पर कट गया, उसका जो है हाथ पर चढ़ाते और पैर पर चढ़ाते पार कर दिया। अच्छा, क्या नाम है इनको? उनका नाम है वाहिद अंसारी। कितना लोग घायल हैं? हम लोग 3 को चोट है। जाप पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने रोहतास जिले के नासरीगंज, दिल्ली और विक्रमगंज का दौरा किया। इस दौरान वे नासरीगंज में कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद डेहरी के शहीद जवान रवि रंजन सिंह के पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वे चकनवा में मृतक मुखिया के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद करने का वादा दिलाया। इसके बाद पप्पू यादव विक्रमगंज के घुसिया कला गांव पहुंचे, जहां शहीद जवान खुर्शीद खान को श्रद्धांजलि अर्पित की।